एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मुरत अजूनी सभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन है फैक्टराइज द स्टेटमेंट। आपको देखो टोटल चार टर्म्स दे रखी हैं, तो जब भी चार टर्म्स दी हों आपको फैक्टराइज करना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। तो आप जो भी लास्ट नंबर है, देखो यहाँ पे 63 है, तो 63 के मैंने ऐसे एलसीएम टाइप लेके फैक्टर्स बना दिए। सो मेरे पास ये फैक्टर्स बने 63 के, मतलब अब मैं क्या क्या वैल्यू फिल करूंगा। एक सबसे पहले तो 1 फिल करेंगे, फिर -1 फिल करेंगे, फिर 3 फिल कर देंगे, -3 फिल कर देंगे, फिर 7 फिल कर देंगे, फिर -7 फिल कर देंगे। जैसे पहले मैंने 1 फिल करा इस पॉलिनोमियल के अंदर, 0 नहीं आया। अगर आ गया होता तो मैं आगे कुछ ना फिल करता। फिर मैंने -1 फिल करा, फिर नहीं 0 आया, फिर मैं कहाँ गया +3 में, 0 आ गया। मतलब मैं यहीं पे स्टॉप कर, अगर ना 0 आया होता तो मैं -3 फिल करता। अगर -3 फिल करके भी 0 ना आता तो मैं +7 फिल करता। +7 फिल करके भी 0 ना आता तो -7 फिल करता। एक जगह तो 0 आना ही था, ये भी पक्की बात। तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 पे 0 आया। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 3, ये +3 और उधर जाके क्या हो जाएगा -3। x -3 इज इक्वल टू 0। अब यानी इस पॉलिनोमियल को इसके साथ लॉन्ग डिवीजन से आपने डिवाइड कर देना। तो ये पॉलिनोमियल रहा, ये x -3 लिखा। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 4x³ आ जाए। आपने पहले देखना, यहाँ पे पहला नंबर ये x है, यहाँ पे 4x³ है। x को किसके साथ करें कि 4x³ आ जाए, 4x² के साथ। तो मैंने यहाँ पे 4x² लिख दिया। अब 4x² को पहले x के साथ करा, 4x³ आया, यहाँ पे लिख दिया। देन 4x² को -3 के साथ करा, -12x² आया, वो लिख दिया। साइन बदल देंगे, ये प्लस था तो ये माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये कट गया। और ये प्लस, अब ये भी प्लस बन चुका है। अब वाला साइन देखना, तो +12 + 7 19x² इनको नीचे उतारा। अब पहली टर्म x है, यहाँ पे 19x² है। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 19x² आ जाए, 19x के साथ। तो अब मैं 19x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास यानी यहाँ पे पहली टर्म 19x² थी, इधर थी अब x। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 19x² आ जाए, 19x। तो यहाँ पे +19x लिखा, 19x इंटू x, 19x², फिर 19x इंटू -3, दैट इज -57x। साइन बदलने, अब ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये कट गया। अब -36x +57x, 57 -36 इज 21x, -63 नीचे आया। अब मेरी पहली टर्म ये x हो गई है, और यहाँ पे 21x हो गई है। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 21x आ जाए, 21 के साथ करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 21 लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, सो 21 इंटू एक्स इज 21x, यहाँ पे लिख दिया। 21 इंटू -3 इज -63। अब मैं साइन बदल दूंगा, ये प्लस था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था प्लस बन गया, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, रिमाइंडर 0 आ गया, काम तमाम हो गया। अब बट आंसर लिखना कैसे है, अब आपने आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में बोला था वो वाली स्टेटमेंट लिखी, इज इक्वल टू डिवाइड किसके साथ कर रहा था, x -3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय ये क्वेश्चंट, ठीक है, ये लिखा, फिर इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी, और फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है, दैट्स इट।